30 सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 बदलाव के बाद लागू करा है। राजस्थान में भी राज्य सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। शहर ट्रैफिक पुलिस ने समझाइश के दौर के बाद अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाई है। ट्रैफिक पुलिस ने नए प्रावधानों के तहत जुर्माना वसूलने के लिए संसाधन भी जुटा लिए हैं। को कम करने के लिए ही केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर जुर्माने को करीब 10 गुना तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने भी प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। शहर ट्रैफिक पुलिस ने अब सड़कों पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर बड़ी हुई जुर्माना राशि वसूलना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए नई ई पास मशीनें भी मंगवाई गयी है, तो वही पुरानी ई पास मशीनों को अपग्रेड किया गया है। 500 मशीनें अब हमारे पास हो गई हैं, 100 अतिरिक्त मशीनें SBI की तरफ से दी गई, जिसको कि थानों में वितरित किया जाएगा। MVX के चलान, जैसा कि सभी को विदित है, शुरू हो गए हैं, और इसके अंतर्गत जो पहले की चलान राशि थी और जो नए नोटिफिकेशन से परिवर्तन हुआ है, उसको भी अपडेट किया जा चुका है। तो ट्रैफिक के पास लगभग 400 मशीनें रहेंगी, जिसमें से 50 के आसपास रिजर्व में रखी जाएंगी, 350 फील्ड में अधिकारियों को दे दी जाएंगी, और 100 मशीनें जो हैं वो थानों में दो दो मशीनों के हिसाब से बांट देंगे और बची हुई मशीनों को रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा। शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद लागू किए गए लॉकडाउन में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम दिखी गई, लेकिन अनलॉक की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या फिर बढ़ गई। ऐसे में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब शहर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत जुर्माना राशि वसूलना शुरू कर दिया है। इसके लिए शहर ट्रैफिक पुलिस को नई ई पास मशीन दी गई है, साथ ही पुरानी ई पास मशीन को भी अपग्रेड किया गया है। जल ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देकर ई पास मशीनों के जरिए जुर्माना वसूलने की कवायद तेज की जाएगी। तो 500 मशीन हमारे को मिल गई हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेशन चल रहा था कि नया MVX आ गया था, उसके तहत जो पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया करना था, वो काम पूरा हो गया है। ट्रेनिंग का काम कुछ हद बाकी है, 10-15-20 दिन के अंदर हम ट्रेनिंग कम्प्लीट करा लेंगे, और हमारा कोशिश रहेगी कि अक्टूबर के अंदर हम ई चलान जो शुरू करें और सब जगह पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलान की प्रक्रिया अमल में लाई जाए। प्रदेश के बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए शहर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना वाहन चालक को महंगा साबित होगा। ट्रैफिक पुलिस ने नई ई पास मशीनों के जुटाते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि ई पास मशीन के जरिए चालान वसूलने से भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी लगाम कसेगा, वहीं कैशलेस पेमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए इसी बीच एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।